नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर क्लास स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। आज मैं बात करने वाला हूँ SBI SO के बारे में। जी हाँ, SBI SO की जो वैकेंसी है 2018 की वह आ गई है। जी हाँ, इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गया है। मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखते रहें। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसका लिंक ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि SBI रिक्रूटमेंट 2018 4119 SO पोस्ट अप्लाई नाउ, ठीक है। जी हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। अब SO का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड कैड ऑफिसर। जी हाँ, रिक्रूटमेंट इसकी ये वैकेंसी है 2018 की। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दो ताकि इससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। तो बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल OBC की है वह 600 रुपये है। SC ST की जो फ़ीस है वह 100 रुपये है। PH कैंडिडेट वालों की भी वह 100 रुपये है। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी रहने वाली है, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट है वह 20 मार्च 2018 की ऑनलाइन स्टार्ट है। इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वह 7 अप्रैल 2018। पेमेंट की भी इसकी जो लास्ट डेट है वह 7 अप्रैल 2018। एग्ज़ाम डेट इसकी अभी शो नहीं करी है। एंड एडमिट कार्ड की भी एग्ज़ाम डेट वो उसके साथ ही सुनो है, एडमिट कार्ड की भी डेट शो नहीं करेगी किस दिन एडमिट कार्ड निकलना है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड कैंडिडेट के कैन पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड ऑफलाइन ई चालान फीस माउथ। यानी जो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू हमारा पेमेंट मोड हो सकता है, यानी पेमेंट हम इससे काट सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 19 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता दिया था कि SBI 2018 है, ये 119 SO पोस्ट के लिए, ठीक है। जी हाँ, बात करते हैं इसकी पोस्ट के बारे में एंड इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड टोटल पोस्ट एंड इसकी ग्रेड कौन सी क्या है और जनरल OBC एंड SC एंड ST की अलग अलग वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं हम, स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, इसकी जो ग्रेड है वह MMGS थर्ड ग्रेड है। वैकेंसी जनरल के लिए 19 है, OBC के लिए 9 एंड SC के लिए 5 एंड ST के लिए वैकेंसी हैं 2 एंड टोटल जो पोस्ट हो गई इसमें 35 हो गई। एज लिमिट होगी इसमें 30 से 40 ईयर्स एंड जो एलिजिबिलिटी है ये है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए CA या ICWA या ACS या MBA इन फाइनेंस और 2 ईयर PG डिप्लोमा होना चाहिए इन फाइनेंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पोस्ट की जिसका नाम है डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ। इसकी जो ग्रेड है वह है TEGS 6, ठीक है। जनरल के लिए वैकेंसी है 1, OBC SC ST के लिए वैकेंसी नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई इसमें 1 और इसमें जो एज लिमिट है वह है 42 से 52 साल होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वह कैंडिडेट हैव 3 ईयर या 5 ईयर की डिग्री रखता है इन लॉ में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब बात करते हैं डिप्टी मैनेजर जनरल मैनेजर की लॉ की, ठीक है। यह भी बिल्कुल यही है, सेम है। बात करते हैं डिप्टी मैनेजर लॉ की, खाली लॉ की। पहले जनरल मैनेजर था, ठीक है, अब खाली मैनेजर है लॉ। ये है MMGS, इसकी ग्रेड है 2nd एंड जनरल के लिए 24 वैकेंसी हैं, वो सॉरी 42 एंड 22 वैकेंसी जो है वह OBC के लिए है, SC के लिए 12 है एंड ST के लिए 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह 82 है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इसकी जो एज लिमिट है, इसकी एज लिमिट भी 25 से 35 साल है, ठीक है। और जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3 या 5 ईयर की डिग्री चाहिए इन लॉ में एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिस कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन कर रखा है या तो 3 साल से या 5 साल से और लॉ में होना चाहिए वह इस फॉर्म को भर सकता है। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में और इसकी वेबसाइट के बारे में। मैं इसका लिंक जो है एप्लीकेशन
मोड का जो है यानी ऑनलाइन का जो है वो और ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक दोनों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना और वहां से आप फॉर्म को भर भी सकते हो, ठीक है, और इसकी वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ इस वीडियो के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।